नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी के सबसे क्लास है। पी के सबसे क्लास में आपका स्वागत। दोस्तों मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि 14-15 को आपका एग्जाम लोअर पीसीएस का, और आप लोग तैयारी कीजिए। जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि 14-15 को जो है इसका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन फाइनली दोस्तों आज जो है सिलेबस रिलीज हो चुका था। और मैंने बोल दिया था आप लोगों से कि यू पी ट्रिपल एस सी का कोई भरोसा नहीं कि कब सिलेबस आप लोगों के पास रिलीज कर देगा। तो फाइनली जो है ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, सिलेबस भी आ चुका है। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिलेबस है इसका, कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं UPSSC.gov.in पर लॉगिन किया हूँ, और यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे पेज में आज आ चुका है आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2019 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा चयन प्रक्रिया में 2019 की लिखित परीक्षा हेतु यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस है, जिसके जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो देखिए इस प्रकार से जो है इसका ओपन हो जाएगा नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं दोस्तों यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लिया हूँ इसका नोटिस, और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि 672 पदों के लिए जो है यह विज्ञापन मांगा गया था। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसका सिलेबस है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा है, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम है। याद रखिएगा इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि प्री होगा फिर मेंस होगा, तो प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों दे दिया गया है। तो प्री का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान, अंक गणित और सामान्य हिंदी। आपको मैंने बता दिया था इसके पहले ही कि आपका ये चार सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि रीजनिंग, जीके, हिंदी और मैथ। यहाँ फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दो नंबर का यानी कि जो है 300 मार्क्स का होगा। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का आएगा, सामान्य ज्ञान यानी जी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा, अंक गणित यानी मैथ जो है 50 क्वेश्चन 100 नंबर की आएगा, और यहाँ पे सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 50 नंबर की आएगी। तो फाइनली 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का समय दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ देख सकते हैं माइनस मार्किंग है, यानी कि 1/4 यानी 25% जो है इसका माइनस मार्किंग है। तो आप लोग जिस क्वेश्चन को आपको आता है वही क्वेश्चन कीजिएगा, 1/4 जो है यहाँ पे माइनस मार्किंग है। और नीचे आप देखेंगे तो सारा चीज़ है कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों मेंस के सिलेबस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंस के सिलेबस परीक्षा योजक मुख्य परीक्षा का है। प्रथम प्रश्न पर द्वितीय प्रश्न पर दो होंगे, प्रथम में जो है रीजनिंग और जीके हैं 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 75 क्वेश्चन 150 नंबर के यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। और द्वितीय प्रश्न पत्र की बात कर देते हैं तो सामान्य विज्ञान और अंक गणित मिला के जो है 75 क्वेश्चन आएगा 150 नंबर के, और सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल आपको मिलेगा दोस्तों प्रश्न पत्र 1 के लिए 1 घंटा 30 मिनट और प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए भी 1 घंटा 30 मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेंस भी आपका भी 1/4 का जो है माइनस मार्किंग होगा। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था, जो कैंडिडेट अभी भी दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आज सुबह ही वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हो सकता है कि जो है टल सकती है परीक्षा, तो मैंने बता दिया था कि नहीं टलेगी नहीं परीक्षा, क्योंकि UPSSC आपको पता है कि इसका कोई भरोसा नहीं कब कौन सी न्यूज निकाल दे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 14 और 15 को आप लोगों का एग्जाम होगा, सिलेबस भी आ चुका है, तैयारी में स्टार्ट कर दिए। जो भी रीजनिंग या जो भी क्वेश्चन आप लोग रिपीट करें उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, और अच्छे से है जो है रिवाइज कर लीजिए अपने सिलेबस को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आए, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।